सो फ्रेंड्स, अपना कोरियर आ गया है, पार्सल जो भी कहना कह सकते हैं आप इसको। तो अपनी दूसरी मॉन्स्टर फिश आ चुकी है। तो चलिए अभी इसको स्टेशन से लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से आ जाते हैं वहीं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, कौन सी इसके अंदर फिश हो सकती है? दिख रहा है आप लोग को? एक मिनट, कैमरा का एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग हमारी मॉन्स्टर बैग के अंदर मॉन्स्टर फिश, और कुछ सारे कुछ आपको पैकेट्स दिख रहे होंगे, बट इनको हम नहीं दिखाएंगे अभी आप लोग को, थोड़ा नेक्स्ट वीडियो के लिए उसको रखेंगे। और कितना जंबो साइज का पैकेट है, इसको एक मिनट साइड में करते हैं थोड़ा सा। पैकेट का साइज देख रहे हैं इसके? अभी भी आप लोग गेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लोगों ने करा गेस? एक मिनट, इसको साइड में रख लेते हैं और इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से। और आप लोगों को थोड़ा पास से दिखाते हैं, अगर आप लोग गेस कर पाए तो अच्छी बात है। अब तो समझ ही गए होंगे क्या है इसके अंदर, दिख रहा है? इसके अंदर हमारी स्टिंग रे है फ्रेंड्स। और कौन सी स्टिंग रे अभी दिखाते हैं आप लोग को, एक मिनट, इसको जरा एक्लिमेट पहले तो कर लेते हैं इसको। ड्रिप एक्लिमेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करेंगे इसके लिए, इसको बस उठा के हम लोग अपना जो पैकेट है इसको हम लोग अपने टैंक के अंदर रख देंगे। बस इसको थोड़ी देर ऐसे एक्लिमेट होने देते हैं। वैसे वाटर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सही था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी इसका मूवमेंट कर रही है ना, वाटर का टेम्परेचर काफ़ी सही था। और क्योंकि ये थर्माकोल पैकेजिंग में जब कोई भी सामान आता है तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो नहीं होता है। और ये हम दिल्ली से मंगाते, ज़्यादा दूर से हम नहीं मंगाते थे कि आप मुंबई या फिर कोलकाता वगैरह से मंगाते, बट डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है इंडिया में। हम यूपी में रहते हैं, यूपी लखनऊ में, तो यहाँ से दिल्ली मेरा पास पड़ता है, अप्रॉक्स 7 आवर्स का डिस्टेंस रहता है। तो उतने में मेरे लिए सही रहता है यहाँ पर, है ना, कि मतलब कि ज़्यादा दूर से मंगाने मोर्टेलिटी रेट भी हाई रहता है। तो अभी भी जैसा कि देख सकते हैं थर्माकोल बॉक्स के अंदर आया है तो टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इसको थोड़ी देर लिमिट हो जाने देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो अप्रॉक्स हमारा 25 मिनट्स हो चुके हैं इसको इस टैंक के अंदर एक्लिमेट होते हुए। और इसमें हम लोग खाली इसको टेम्परेचर एक्लिमेट करेंगे, मतलब जो टेम्परेचर है उसको मैच करेंगे हम लोग, क्योंकि जब भी कोई भी आप फिश वगैरह बाय करिए, फिश बाय करिए, इन्वर्टिब्रेट बाय करिए, तो उसका टेम्परेचर फ्रेश वाटर में टेम्परेचर एक्लिमेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। और सॉल्ट वाटर में आपको उसकी सैलिनिटी वगैरह भी एक्लिमेट करना पड़ती है। तो हमारा टेम्परेचर वो ऑलमोस्ट एक्लिमेट हो चुका होगा, तो हम लोग इसको निकालते हैं और फिर अपने टैंक के अंदर ऐड करते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास जंबो साइज की नेट भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से हमने कोई भी मॉन्स्टर फिश वगैरह ऐसी नहीं रखी थी, एक मंगा लेना चाहिए थी हमको। बट चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, क्योंकि इसका साइज निकलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वीडियो वगैरह में एग्जैक्ट साइज नहीं पता चल पाता है क्या है। तो चलिए इसको हम लोग इस बकेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए इसको देख लें, बकेट के साइज से बड़ा पैकेट है,
तो उसको ओपन करते हैं पहले और देखते हैं कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसको। तो बिल्कुल रबर बैंड है, इनको कट कर लेते हैं। के अंदर एक और पैकेट, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। दूसरी पॉलीथीन भी अपनी ओपन हो चुकी है। अब थर्ड एंड लास्ट पॉलीथीन का नंबर है। फ्रेंड्स रियली हमें नर्वसनेस हो रही है क्योंकि स्ट्रिंग रे कॉमन फिश नहीं है, है ना, और इसको कैसा इसका बिहेवियर रहेगा भी निकलने के बाद, क्या रहेगा हमको कोई भी आइडिया नहीं है। इसको अपनी बकेट में शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए आप लोग को पूरे बकेट की साइज की है मेरे, ये इसका जो डिस्क का साइज है, एक मिनट इसको मेजर करते हैं हम लोग। इसकी जो डिस्क है अप्रॉक्स मेरे जो बकेट का साइज है वो 11 इंचेस है, और ये 11 इंचेस से अप्रॉक्स 9 इंचेस टू 8 इंचेस इसका साइज है। इसकी डिस्क का साइज 8 इंचेस प्लस है। तो चलिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। ये देखिए मेरा 4 इंच का नट इससे कितना छोटा है। ये इसको हाथ से ही पकड़ना पड़ेगा क्या हमें। इसको ऐसा करते हैं, इसको इस पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर इसको टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। वेरी गुड, बहुत सही। तो हमारी पॉलीथीन के अंदर आ चुकी है, अब जल्दी से इसको टैंक में लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आज हमारी स्ट्रिंग रे को आज थर्ड है, देख सकते हैं कैसे स्विम कर रही है। स्विम वगैरह काफ़ी अच्छे से कर रही है, मूवमेंट भी अच्छे से कर रही है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरे टैंक में स्विम कर रही है। और अभी जैसे कि देख सकते हैं फीडिंग टाइम है इसका ये, तो हम लोग चलिए अपने फिशेज को फीड करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। और सबसे पहले अपनी अरवाना को फूड दे देते हैं। जो अरवाना को हम फूड यूज़ कर रहे हैं देख सकते हैं, ये फूड अरवाना स्टिक्स हैं।
डब्ल्यू ए फिश फीड्स की हैं, ना इंडियन ब्रांड है ये हमारा। देख सकते हैं इसीलिए पंप्स वगैरह भी ऑफ हैं, क्योंकि जब फीडिंग देते हैं तो हम पंप्स ऑफ कर देते हैं, और पंप्स ऑफ करने का एक और भी रीज़न था मैंने फिल्टर सॉक्स। और ये देख सकते हैं हिकारी का फिश फूड है अपने सिकलेट्स के लिए, ये सिंकेबल पैलेट्स हैं। और सिंकेबल पैलेट से फ्रेंड्स याद आया, जैसा कि देख सकते हैं सिंकेबल पैलेट्स हम देते हैं तो ये जो हमारी जो स्ट्रिंग रे है ये इसके पास में आती है, आप लोग कुछ दिख रही है, ये आती है इसके पास में, बट ये फीडिंग वगैरह नहीं ले रही है सही से। देखिए मतलब जहाँ पर पैलेट डाले उसके पास आई है ये, बट खाती है कि नहीं खाती है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा सही से उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है। और जैसे देख सकते हैं सही से अट्रैक्ट वगैरह नहीं हो रहा, पता नहीं फूड ले रही है कि नहीं ले रही है, कि मेरी पैरेट और सेवरमी सारा फूड खा जाती हैं। तो आज थर्ड डे है हमारा, तो हमने फिर जो एआर के एक्वेटिक्स में फिर हमने कॉल करके पूछा कि ऐसे आप लोग परेशान ना करिएगा बार बार, वो हमसे कह रहे थे कि काफ़ी सारे बस कॉल आते रहे सब्सक्राइबर्स वगैरह के छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए। तो जो है हमने उनको फ़ोन करा कि भाई ये जो थी, क्योंकि उनके पास ये अप्रॉक्स 1 मंथ से उनके पास थी, काफ़ी हेल्दी थी तभी हमने ली उनके पास से, है ना। तो जो है फिर हमने उनसे पूछा कि भाई आप इसको फीडिंग में क्या दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो डब्ल्यू ए फिश फूड की ही फीडिंग उसको भी दे रहे थे स्टिंगरे के लिए, जो स्पेशली पैलेट्स ही आते हैं डिज़ाइन स्टिंगरे के लिए पैलेट्स हैं ये। तो जो फिर वो हमने भी ट्राई किया, जैसे देख सकते मेरे पास ये पैकेट रखा हुआ था सील पैक, क्योंकि मेरे पास रिव्यू के लिए आया हुआ था काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने सोचा चलो इसको खोल के ट्राई करके देखते हैं। तो फिर हमने खोला, हमने इसको कल हमने दिया तो था इसको, बट इसने लिया तो नहीं, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, पता नहीं मे बी अभी डरी हुई है या क्या रीज़न है। चलिए आप सामने फिर से इसको देके देखते हैं, एरवाना ही ले जाती है बाकी यही लोग नहीं छोड़ते हैं खाने से, तो क्या करें। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको हम श्रिम्प वगैरह दें क्या, मतलब कि जो फ्रेश श्रिम्प आता है ना, जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह मिलता है, ड्राइड श्रिम्प की बात नहीं कर रहे हैं, जो फ्रेश श्रिम्प आता है वो हम सोच रहे इसको दें, ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है ये खाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग के क्या सजेशन है, हो सकता है अभी न्यू है ये, कुछ टाइम लगे फिर ये सही से थोड़ा फ्रैंक हो जाए, थोड़ा मतलब कि एक्लिमेट सही से हो जाए अपने आप को, थोड़ा ये ढाल ले इस टैंक के साथ इन फिशेज से, क्योंकि हो सकता है अभी ये पैरेट वगैरह से डर रही, क्योंकि जो मेरी ये एरवाना देख सकते हैं अब अच्छे से स्विम करना से शुरू कर रहा है, जब आई थी ना तब ऑलमोस्ट 1 वीक तक ये छुपी रही थी, जाके बार बार ये इसी जो देख रहे हैं डेकोरेशन है मेरा यहाँ पर इसके पीछे जाके छुप जाती थी, अब इसने सही से स्विम करना शुरू करा है, अब 24/7 ये पूरा बाहर रहती है, बस खाली कुछ जब डर जाती है एकदम, जब हम लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं शूटिंग वगैरह तब भले ही चली जाए पीछे, बट वरना पीछे बिल्कुल भी नहीं जाती है। हो सकता है अभी स्टिंगरे का भी यही हाल है, धीरे धीरे एडजस्ट कर ले। और स्टिंगरे जो मतलब कि हमने देख जैसा कि हमने बताया कि हमने ये एआर के एक्वेटिक से ली है, तो उनके पास तो ये स्टिंगरे उनके पास 3 पीस थे, तो वो तो कह रहे थे कि एक पेयर लो दो डालो, बट दो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं थोड़े, तो हमने पहले सोचा कि पहले हम एक लेके रखें, ट्राई करें पहले कि कैसा रिस्पॉन्स है, हम पाल पाते हैं कि नहीं पाल पाते हैं स्टिंगरे को। और साइज़ काफ़ी अच्छा था इसका, 9 इंचेस का साइज़ है, ईजिली अवेलेबल नहीं रहता, छोटे ईजिली मिल जाते हैं, बट इतना बड़ा पीस काफ़ी सही है और हेल्दी लग, क्योंकि हेल्दी है, क्योंकि अच्छे से स्विम वगैरह कर रहा है। तो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर दे दें कि हमको क्या फीडिंग करनी, जितने लोग स्टिंग रहे हैं सब लोग कमेंट जरूर करिएगा कि भाई इसको क्या फीडिंग में दें, क्या इसके लिए बेस्ट रहता है, जो ये ईजिली फीडिंग लेना स्टार्ट कर दे, होता अभी स्ट्रेस में है ये रीज़न हो सकता है। और अगर आप लोग को भी चाहिए हो तो जो उसके भाई बहन थे जो आने वाले थे मेरे पास, बट हमने नहीं लिया, तो वो आप लोग ले सकते हैं आरके एक्वेटिक्स का, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं उनको, व्हाट्सएप वगैरह पर वीडियो वगैरह सब शेयर कर देते हैं अगर उनके पास स्टॉक अवेलेबल हुआ तो, क्योंकि उनका बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है सामान, तो अगर स्टॉक में हुआ तो आप लोग भी स्टिंगरे ले सकते हैं। और तो बस फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो आप लोगों ने और पैकेट्स देखे थे ना बॉक्स के अंदर उसकी भी वीडियो आएगी, अब तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए ताकि वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।
और पहले छोटे मोटे अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको, मेरी स्टिंगरे कैसी लगी और कौन सी फिश लाई जाए। अब ऑलमोस्ट मेरी मॉन्स्टर फिश दोनों हो गई जैसा कि हमने सोचा था, अब कुछ फिश ऐड करें कि ना करें, अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं इसमें और कोई न्यू फिश ऐड करने का, पहले इसको ऐसे ही चलने देते हैं। तो अभी तो इसको हम क्लीनिंग करने जाए, क्लीनिंग के एक्चुअली क्या क्लीनिंग करी थी अभी, तभी का वाटर आपको थोड़ा सा हल्का सा येलोइश और क्लाउडी दिख रहा हो, क्योंकि देख सकते हैं फिल्टर सॉक्स इसके, देख सकते हैं कितने सारे फिल्टर सॉक्स हैं, अभी अभी वॉश करने के लिए निकाले थे हमने, वॉश हो गए, हम इनको लगा देंगे। तो बस फ्रेंड यही था आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।